students, welcome back to Tapovan Group of School. My name is Bhargavi Patel and today I am going to teach you Standard 5 Mathematics. So Standard 5 में जो हमारा chapter number 10 था, 10th and 100, okay? तो ये इसका lecture 4 है, okay? तो अब हम देखते हैं. Last में हम जहाँ से अटके थे, हम वहीं से करते हैं. हमने last में एक question कर रहे थे, जहाँ पे video खत्म हो गई थी, okay? तो मैं वहीं से start करती हूँ. तो हमें क्या पूछा है? How many white boxes are there in the sheets? तो शीट्स में कितने वाइट बॉक्सेस हैं वो हमें देखने हैं. तो कितने हैं वाइट? तो ये वाले वाइट है, ये आपको दिख रहा है, ये वाइट नहीं है. ये क्या है? ये जो ब्लैक कलर और रेड कलर दिया है, ये सिर्फ इतना ही है, यानी कि ये ब्लैंक है, इसमें वाइट कलर नहीं है. मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है? ओके, वाइट कलर सिर्फ यही है, यानी कि 10 बॉक्सेस जो है वो वाइट कलर्स के है. तो हम इधर क्या लिखेंगे? 10 बॉक्सेस जो है वो वाइट कलर के लिखेंगे, ठीक है? ओके, हाँ. तो कितने हैं? 10 है. उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10/100 भी लिख सकते हैं, है ना? व्हाट पार्ट ऑफ द सेकंड शीट इज वाइट? तो सेकंड शीट ऑफ वाइट कौन सा है, यानी कि ये नहीं लिख सकते हमें इधर. हम इधर सिर्फ 10 ही लिखेंगे, ओके? कितने पार्ट्स थे तो उसमें 10 आएगा, और सेकंड शीट में ऐसे लिखेंगे 10/100, ओके? अभी मेक योर ओन डिज़ाइन. आपको ओन डिज़ाइन बनाना, यानी कि आपको खुद से कलर करना है. आप जैसे कर सकते हो, आपको पसंद है वैसे कर सकते हैं. नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं कर सकते. इसमें आपको नीचे लिख के दिया हुआ है, वैसा करना है. मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 पार्ट ऑफ द स्क्वायर रेड. आपको अच्छी सी डिज़ाइन बनानी है, उसमें क्या करना है आपको? 0.45 पार्ट जो है वो स्क्वायर रेड करने. अभी 0.45, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 45/100 ऐसे लिख सकते हैं, ओके? तो ये, यानी यह 100 बॉक्सेस है, तो इसमें से 45 बॉक्सेस जो है वो आपको रेड कलर से पेंट करने, ओके? तो कहते होंगे 1, 2, 3, 4 and 5. तो ये आधा हो गया, ओके? ये आधा. अभी इसमें से कितना बोला है? आधा, यानी कि ये 50 है और ये 50 है. अभी इसमें से हमें 45 करने, यानी कि ये 5 छोड़ देने, यानी कि बाकी का सारा जो है आपको रेड से कलर करना है, ठीक है? ओके, यूज़ 4 कलर्स. आपको इसमें 4 कलर यूज़ करने हैं. इच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वेयर. 4 कलर यूज़ करने हैं और कितने पार्ट करने हैं? 0.05. तो 0.05 यानी कि 5/100, ओके? तो आपको क्या करना है, इसमें से पांच पांच जो शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वेयर, ओके? तो पांच कलर जो है, बॉक्सेस जो है वो आपको अलग अलग कलर से भरने हैं आपको, ठीक है? आपको ये अपनी ड्राइंग बुक में करना है, ये आपका होमवर्क है, ओके? ओके, अभी हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे. तो द स्कूल एट मलप्पुरम हैज इट्स स्पोर्ट्स डे. तो मलप्पुरम गाँव में स्पोर्ट्स डे था स्कूल में. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर. तो जो 5 बच्चों ने भाग लिया था, भाग बहुत सारा लिया था, पर ये 1 से 5 तक के नंबर में आए थे, ओके? सो टीना जंप 3.50 मीटर, विच इज 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ओके? तो 3.50 मीटर को हम कैसे लिखेंगे? 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ओके? बट हाउ फार डिड अनु जंप? तो अनु ने कहाँ जंप किया? तो ये अनु क्या है? 3.05 मीटर. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 मीटर एंड 0.05, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ओके? तो क्या लिखेंगे? 3 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ओके? हु इज़ द विनर इन द लॉन्ग जंप? तो इसमें से विनर कौन है? तो आपने देख सकते हैं सबसे लंबा जंप किसने मारा है? ये 4.50 है, यानी कि रेहाना ने. तो हमारा आंसर क्या आएगा? रेहाना, ओके? आप मेरे साथ साथ इसके आंसर्स लिखते जाइए, ठीक है? ओके, अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ. इसमें क्या कहा है? राइट द नेम ऑफ द 1, 2 and 3 विनर्स ऑन दिस स्टैंड, ओके? तो इस स्टैंड पे हमें जो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे है, उसके नाम लिखने, ओके? तो इधर आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे कौन था? रिहाना, जिसका जंप था 4.50 मीटर. फिर कौन है? ये 4 वाला ही आएगा, यानी कि मीना, जो है सेकंड नंबर पे. और थर्ड पे कौन आएगी? 3.50, यानी कि टीना. सो फर्स्ट पे रिहाना, सेकंड पे मीना एंड थर्ड पे टीना, ओके? तो फर्स्ट पे कौन आएगी? रिहाना. सेकंड पे कौन थी? मीना. एंड थर्ड पे टीना, ठीक है? ओके, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? हमें मालूम है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं. सो 1 सेंटीमीटर इज 100th ऑफ द मीटर. तो 1 सेंटीमीटर को हम 100th भी लिख सकते हैं. वी ऑल्सो राइट इट 1 सेंटीमीटर एज. तो अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हम 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स लिखेंगे? तो इसमें क्या था? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हम इसको 100 लिख सकते थे. तो इसको हम कैसे लिख सकेंगे? 0.01 मीटर. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 0.01 मीटर, ओके? आप ये मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर्स लिखते जाइए, ठीक है? ओके, अभी कुछ एग्जांपल्स हैं. राइट इन मीटर्स, ओके? अभी कुछ है जो सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं, हमें उसे कन्वर्ट करके मीटर में, यानी कि सेंटीमीटर और मीटर में लिए हैं, हमें उसे मीटर्स में लिखने. तो 3 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे?
3.45 मीटर्स। आगे हमने ऐसे एग्जांपल देख लिया, ठीक है। 99 सेंटीमीटर्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे? तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने हो गए? 1/100 यानी कि 0.01 मीटर होता है। ओके, तो अभी कितना है? 99 सेंटीमीटर है, तो 99 सेंटीमीटर को कैसे लिखेंगे? 99/100, तो 0.99 मीटर। तो कैसे लिखेंगे? 0.99 मीटर। 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर यानी 1 and 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ओके, हम इसको अभी 5 सेंटीमीटर मिला है तो हम इसको 1.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम इसके बाद 0 लिखाएंगे तो कितना होगा है? 1.50 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ओके, आप मेरे साथ साथ आंसर लिखते रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अभी क्या बोला है? हाउ बिग कैन यू गेट, ओके, आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.50 मीटर। तो ये चेक कर रहे हैं वो साइज जो होती है ना चेस्ट की, वो तो जब वो ब्रीथ बाहर निकालता है तो 1.52 मीटर है, और जब लेता है तो 1.82 मीटर है। सो डिफरेंस इन साइज, तो डिफरेंस क्या है साइज में? तो हम क्या करेंगे? 1.82 में से 1.52 बात करेंगे, तो 0, 3 और 0, तो 0.30 मीटर का डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? 0.30 मीटर का। ओके, डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस। तो आपको खुद पे ऐसे आपके घर पे पट्टी होती है ना, मीटर पट्टी, आपने की वो लेनी है, फिर अंदर ब्रीथ इन लेनी है, फिर चेक करना है, और ब्रीथ आउट करने के बाद चेक करना है, और उसका डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 2 है। यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। ओके, ये नाप ले रही है, बोलती है कि तुम्हें 2 मीटर की हाइट चाहिए अगर, तो तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना पड़ेगा। सो व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर्स? तो दिनेश की हाइट मीटर्स में क्या है? तो 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। ओके, अब हम चलते हैं अगले पेज की तरफ। प्रैक्टिस से, ये प्रैक्टिस करनी है हमें। मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, तो अलग अलग, जैसे हमारे इंडिया में रुपीज़ है, ऐसे हम सब जगह पे ये रुपीज़ जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम अलग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की अलग मनी होती है। ओके, हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन अदर कंट्रीज? आपने देखी होगी, फोटोज में देखी होगी, या कोई विजिट करने गया हो तो उन्होंने देखी होगी। शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो अस हाउ मैनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट वैन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अगर हमें डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना है तो हमें रुपीज़ में से वहाँ की जो वहाँ पे जो यूज़ होता है वो हमें कन्वर्ट करके लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमें बताया है इधर क्या है। सो ये कंट्री के नाम है, ये मनी है, और चेंज, अगर हम जैसे हम इधर एक रुपया बराबर एक रुपया ही है, तो अगर हम दूसरे कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे हम कुछ भी चीज़ खरीद लिए तो हम रुपीज़ में नहीं खरीद सकेंगे, वो हमें ऐसे अलग अलग रुपीज़ जो होते हैं उसमें खरीदनी पड़ेगी, यानी कि जिस कंट्री की जो मनी है उसमें, और उसकी प्राइस भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो कोरिया, उसमें क्या बोलते हैं, वॉन कहते हैं उसे, जो 0.04 रुपीज़ है, यानी कि हमारा जो 1 रुपीज़ होता है वो वहाँ पे 0.04 पैसे 1 रुपीज़ होता है। श्रीलंका में क्या है, उसको श्रीलंकन रुपीज़ बोलते हैं, 0.37 प्राइस है। नेपाल में रुपी, जो 0.63 है। हांगकांग में डॉलर बोलते हैं, 5.10। साउथ अफ्रीका में रेंड बोलते हैं, 5.18। चाइना में युआन, 5.50। UAE में दिरहम, 10.18। USA में डॉलर, 39.17। जर्मनी में यूरो, 58.30। और इंग्लैंड में पाउंड, 77.76। ओके, सो अभी कुछ क्वेश्चंस है जिसके हमें आंसर्स करने हैं। दिस इज़ द रेट ऑफ 15 to 2018। तो ये 2018 की प्राइस है, अभी 2021 चल रहा है, तो अभी ये प्राइस नहीं है, यानी कि अभी अलग प्राइस है, जो बढ़ भी गई हो या कम भी हो सकती है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसकी प्राइस हमारे इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है? तो आप देख सकते हैं कौन सी है सबसे ज़्यादा। ओके, तो ये है इंग्लैंड की पाउंड। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा? इंग्लैंड। फिर क्या है? मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंड हिम 10 USA डॉलर। तो मिथुन के जो अंकल थे अमेरिका के, उन्होंने उसको 10 USA डॉलर सेंड किए थे एज अ गिफ्ट। मिथुन यूज टू 350 rupees फॉर अ स्कूल ट्रिप। तो मिथुन ने 350 rupees स्कूल की ट्रिप में यूज़ किए। सो हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बचे, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर, उसके अंकल ने US डॉलर गिफ्ट किए थे, और उसने जो स्कूल की ट्रिप में यूज़ किए वो इंडियन रुपीज़ से। तो पहले हमें क्या करना है? US डॉलर में से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, तो USA डॉलर, तो 1 USA डॉलर इज इक्वल टू, 1 USA डॉलर इज इक्वल टू कितने हो है इधर, 39.17 रुपीज़ है, ठीक है। ओके, तो कितने हैं इधर,
10 USD है, तो हमें 10 USD को पहले इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 USD इज इक्वल टू कितने होंगे वो देखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 10 × 39.17 कर देंगे। ओके, आप इसको मल्टीप्लिकेशन में ही कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। इधर कितने हैं, जीरो, यानी कि अगर हम किसी भी कीमत को ऐसे डेसिमल्स में हो कीमत, और उसको हम 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, कोई भी हो, उसमें अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसके साथ, तो क्या करेंगे, जितने भी जीरो दिए हैं, अगर 1 है 100 के साथ कर रहे हो तो 2 है, 3 है, 4 है, कितने भी जीरो हो तो उसको क्या कर सकते, अगर जितने जीरो दिए हैं इतने जीरो इधर जो पॉइंट दिया होता है ना वो इतने डिजिट आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, इधर क्या है, एक जीरो दिया है तो ये जो पॉइंट है वो एक पॉइंट आगे शिफ्ट होगा, यानी कि ये डेसिमल फिर हम इधर से लेके इधर रखेंगे, यानी कि 39 और 7.0। अभी पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 397 रुपीज़। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अगर हमने 100 के साथ ऐसा किया होता 39.70, ओके, तो कितने हैं इधर, दो जीरो है, तो ये जो पॉइंट है वो दो डिजिट आगे शिफ्ट होगा, यानी कि 39 तो है ही, 7 ये इधर से लेके इधर होके मिल रखेंगे, तो 7 और 0 और इसके बाद आएगा जीरो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 3970। ठीक है, आपको समझ में आएगा है? तो कितने हुए, 390 रुपीज़ हुए। ओके, तो अभी उसे ट्रिप में कितने यूज़ किए, 350, तो उसके पास कितने बचे, तो 397 − 350, तो उसके पास कितने बचे, 47 रुपीज़ उसके पास बच गए, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 47 रुपीज़। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ओके, अब हम अगला वीडियो, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।